हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार एक रेसिपी लेकर आया हूँ, वो भी अपनी दादी माँ की रसोई से। और इस रेसिपी का नाम है केले की चटनी। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल केले की चटनी नहीं है, ये ना आपको इसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी वीडियो कहीं भी आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं अपनी दादी माँ की रेसिपी लेकर आया हूँ। और इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाले हैं जो इस चटनी को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनाते हैं। तो अपने घर के बच्चों को खिलाने के लिए तैयार हो जाइए ये चटपटी स्वादिष्ट चटनी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए ये वीडियो। केले की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 केले, 1 स्पून जिंजर पाउडर, 1 स्पून भुना जीरा, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा कप इमली का पानी, 4 चम्मच चीनी, 10 पीस काजू के, 3 से 4 चम्मच खरबूजे की गिरी। अब आपको लेनी है एक कढ़ाई जिसमें आप एक छोटा चम्मच घी डालेंगे और साथ ही डालेंगे उसमें खरबूजे की गिरी और काजू और इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। जैसे ही ब्राउन हो जाए इसको एक अलग कटोरी में निकाल लें। निकालने के साथ ही कढ़ाई में डालिए एक छोटा चम्मच घी और साथ ही कुछ इन्ग्रीडियंट्स इसमें आप डाल लीजिए, जिसमें आप भुना जीरा इसमें डाल लीजिए, गरम मसाला आप इसमें डाल लीजिए। लाल मिर्च पाउडर आप इसमें डाल लीजिए। धीमे धीमे चलाएं और फिर इसी में ही आपको काजू और खरबूजे की गिरी मिला देनी है। मिलाने के बाद आपको 2 कटोरी पानी लेना है। पर अभी आंच तेज कर लें और इसको धीरे धीरे हिलाएं। इसमें साथ में नमक डाल लीजिए, जिंजर पाउडर भी डाल लीजिए। डालने के बाद आप इसमें चीनी डाल दीजिए और अभी ही इसमें इमली का पानी डाल दीजिए और धीरे धीरे चलाएं। जब ये पूरी तरीके से उबल जाए पानी, गैस बंद कर दीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए 10 से 15 मिनट। जब ये ठंडा हो जाए इसके अंदर अब आपको मिलाने हैं कटे हुए केले। केलों को आप चला दें एक बार अच्छे से ताकि जो रस है इसका सारा का सारा केले एब्जॉर्ब कर लें और इसको और थोड़ी देर 10 मिनट रख दें ठंडा होने के लिए। और ये आपकी चटनी तैयार है बनके। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।